हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 टाइप की अमेजिंग लस्सी की रेसिपीज़ जो आपने पहले कभी नहीं पी होंगी। आई एम श्योर बहुत ही अमेजिंग लस्सी की रेसिपीज़ हैं गाइस, ये बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही टेस्टी, डिलिशियस एंड क्विकली बन जाती हैं। ये बिल्कुल 5 मिनट्स लगते हैं इसको बनाने में। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह आपका बहुत ज़्यादा हैवी कुछ ब्रेकफास्ट खाने का मन नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं एज ब्रेकफास्ट, या फिर बहुत जल्दी में आपको कहीं बाहर निकलना है तो ये बहुत क्विक ऑप्शन है, फटाफट 5 मिनट में बन जाएगा, आप इसको जल्दी से बना सकते हैं, या फिर आप इसको बनाकर रात को ही फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और चिल्ड इसको एक थर्मस में कैरी करके जा सकते हैं, एज लंच आप इसको लेके जा सकते हैं अपने साथ, तो इसको आप लंच में भी ले सकते हैं। या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि बहुत फैटनिंग शेक्स और कोल्ड कॉफ़ीज़ वगैरह आप पी सकते हैं, तो उसकी बजाय आप ये अपने साथ लेके जाइए और उन फैटनिंग शेक्स और कॉफ़ी की बजाय आप ये लीजिए ताकि आपका वेट लॉस भी हो। तो गाइज़, अगर आप इसको पूरे वीक में लेना चाहते हैं तो आप पूरे वीक भी इसको बदल बदल कर ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ 7 अमेजिंग रेसिपीज़ लस्सी की, तो आप इसको पूरा वीक एक एक करके बदल बदल कर ले सकते हैं और आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लंच में यूज़ कर सकते हैं। डिनर में आप इसको अवॉइड करिए, क्योंकि दही डिनर में मैं आपको नहीं रेकमेंड करूँगी। गाइज़, जो लस्सी होती है वो बनती है दही से, तो दही आप अपने घर में जमाइए, लो फैट स्किम मिल्क की दही जमाइए और कोशिश करिए कि जो लस्सी आप बनाएं उसके लिए दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो, बिल्कुल फ्रेश जमी हुई दही हो, तो उससे बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट करेगी आपकी लस्सी सारी की सारी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। गाइज, लस्सी जो बनती है वो हमारी बनती है दही से, और दही जो होती है ना वो बहुत ही अमेजिंग प्रोबायोटिक होता है। अब ये प्रोबायोटिक क्या होता है, इसके पीछे की साइंस मैं आपको बताती हूँ। प्रोबायोटिक होते हैं ऐसे फूड जो आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होते हैं। तो ये होती है एक बहुत ही अमेजिंग प्रोबायोटिक जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सुपर्ब रिजल्ट्स देगी कॉन्स्टिपेशन में, या अगर आपको एसिडिटी रहती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको। ये कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत सुपर्ब सोर्स है, तो आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लस्सी जो है वो प्रोटीन का बहुत अमेजिंग रिच सोर्स है, विटामिन B12 में रिच है, तो अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है तो आप लस्सी ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। अगर आप सदा सर्वदा यंग रहना चाहते हैं तो ये ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि ये एंटी एजिंग है, आपको आपके स्किन पे रिंकल्स नहीं आने देती और आपको हमेशा यंग बना के रखती है। तो चलिए गाइस, चलिए मेरे किचन में देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं अपनी 7 टाइप की अमेजिंग लस्सी। सबसे पहले बना लेते हैं मेरी सबसे फेवरेट मिंट लस्सी। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है, 1 स्पून मैंने यहाँ पे बेसिल सीड्स ले लिए हैं, सब्जा सीड्स जिसको हम बोलते हैं, इसको ग्लास में डाल देंगे और पानी डाल देंगे ग्लास में, और इसको 5 to 10 मिनट्स हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तो ये जो बेसिल सीड्स हैं ये फूल जाएंगे पूरे। अब यहाँ पे एक मैं ब्लेंडर जार ले रही हूँ, उसमें मैं मिंट लीव्स डाल रही हूँ, पुदीना के पत्ते, भुना जीरा का पाउडर, क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, इसमें थोड़ी सी दही डाल देंगे, ये स्किम मिल्क की दही है घर में जमाई हुई, अब इसको ब्लेंड 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 कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है, उसमें मैं ये बेसिल सीड्स डाल दूंगी जो मैंने रखे हुए थे साइड पे, ये अच्छे से स्वोलन हो गए हैं। अब ये जो हमने लस्सी बनाई है इसको हम ग्लास में डाल देंगे एंड रेडी है हमारी मिंट लस्सी, एकदम रेडी सर्व करने के लिए, और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, मेरी फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड टेस्टी बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए।
आपको बहुत पसंद आएगी, ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। अब हम बना लेते हैं अपनी केसर इलायची लस्सी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडर जार ले लिया है। यहाँ पे मैंने भीगे हुए आमंड्स और रेजन्स ले लिए हैं और थोड़ा सा केसर ले लिया है मैंने। दो डेट्स ले लिए हैं यहाँ पर, इनके सीड्स निकाल दिए मैंने। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इलायची पाउडर ले रही हूँ और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं दही। अब इसको हम ब्लेंड 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 कर देंगे। अब यहाँ पे ग्लास में मैं अपने बेसिल सीड्स या सब्जा सीड्स डाल रही हूँ जिसको मैंने भिगो के रख दिया था। और ये बन गई है हमारी लस्सी। इसको डाल देंगे हम ग्लास में। गाइज ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लस्सी है, वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। अगर आपको मीठी वाली लस्सी पसंद है ना, और अगर आप डरते हो कि उससे वेट गेन हो जाएगा, तो आप ये ट्राई करिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी और इससे वेट गेन भी नहीं होगा। ये वेट लॉस के लिए अमेजिंग है और उसके साथ साथ सुपर टेस्टी भी। अब हमारे चॉकलेट लवर्स के लिए चॉकलेट लस्सी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अनस्वीटन चॉकलेट पाउडर और दो डेट्स ले लिए मैंने, इनके सीड्स निकाल दिए, इनको ब्लेंडर में डाल देंगे। और ये आ गई हमारी दही, बस दैट्स इट। इसको कर देंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब ये ग्लास में डाल रही हूँ मैं भीगे हुए बेसिल सीड्स अपने। अब इसमें डाल देंगे अपनी लस्सी। गाइस ये चॉकलेट लवर्स के लिए एक डिलाइट है, ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर है, इसको जरूर ट्राई करना आप। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। अगर आपको चॉकलेट पसंद है ना, तो ये आपको जरूर पसंद आएगा एंड ये वेट लॉस के लिए भी सुपर्ब है। अब आती है हमारी सुपर न्यूट्रिशियस बनाना लस्सी। यहाँ पे मैंने हाफ बनाना ले लिया है, इसको ब्लेंडर में डाल देंगे हम। अब यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं। अब ये आ गई हमारी दही, इसको डाल देंगे जार में और कर देंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब ये बेसिल सीड्स है हमारे जिसको मैंने भिगो के साइड पे रख दिया था, इसको ग्लास में डाल देंगे। हाफ ग्लास मैंने इससे फिल कर दिया है और ये आ गई हमारी लस्सी। एनर्जी पैक्ड है, ये फाइबर रिच है और बहुत देर तक आपको फुल रखती है। पूरा मील प्रिपेयर हो गया है आपका ये इतना क्विकली और बहुत ही ज्यादा डिलिशियस एंड वेट लॉस के लिए सुपर। अब आती है हमारी किवी लस्सी। ये कॉम्बिनेशन डेडली है गाइस, विटामिन सी रिच है, ये बहुत ही अमेजिंग है। ये किवी ले लिए मैंने, इसको डाल रही हूँ ब्लेंडर जार में। अब ये आ गई हमारी दही, दैट इजी। अब इसको कर देंगे हम ब्लेंड 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 एंड सुपर क्विक। अब ये मैंने यहाँ पे बेसिल सीड्स भिगो के रख दिए थे, इसको डाल दूंगी मैं ग्लास में। हाफ ग्लास मैंने भर दिया है इससे और अभी आ गई हमारी लस्सी। बहुत ही क्विकली हमारा एक मील बन के रेडी हो गया है। आप इसको ब्रेकफास्ट में या लंच में ले सकते हैं, या आप इसको पैक करके अपने ऑफिस में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यमी लगता है ये, बहुत रिफ्रेशिंग है, विटामिन सी का सुपर रिच सोर्स है ये और बहुत ही ज्यादा सुपर फॉर वेट लॉस है ये। आपको अमेजिंग वेट लॉस देता है और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अमेजिंग है एंड फाइबर रिच है ये। अब आती है हमारी एप्पल लस्सी की बारी। बहुत ही ज्यादा क्विक है, 5 मिनट्स में बन जाती है। बहुत सिंपल इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है इसके। यहाँ पे एप्पल ले लिया है मैंने, उसको ब्लेंडर जार में डाल रही हूं मैं। अब ले ली है मैंने अपनी दही, इसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल रही हूं मैं एंड दैट्स इट। इसको कर देंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब यहाँ पे ग्लास में बेसिल सीड्स डाल रही हूं मैं अपने। अब ये आ गई हमारी लस्सी, इसको डाल देंगे ग्लास में एंड रेडी है ये हमारी सर्व करने के लिए। सो सिंपल, सो इजी एंड सो क्विक, कोई भी बना सकता है इसको एंड ये बहुत क्विकली बन जाती है एंड बहुत अमेजिंग सोर्स है विटामिन्स का। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अब
अब आती है हमारी पाइनएप्पल लस्सी, बहुत अमेजिंग है। अब यहाँ पे मैंने चॉप्ड पाइनएप्पल ले लिया है, इसको मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर जार में। एंड ये आ गई हमारी दही, दैट्स इट। इसको कर देंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। और यहाँ पे ग्लास ले लिया है मैंने, उसमें डाल रही हूँ मैं अपने सोक्ड बेसिल सीड्स, दैट्स इट। ये बन गई है हमारी लस्सी, इसको डाल देंगे हम ग्लास में। एंड रेडी है हमारी एक और सुपर्ब लस्सी, फुल ऑफ विटामिन सी है ये, फाइबर रिच है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देती है, एंड ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब है, अमेजिंग है गाइज। ये आपको बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस देती है, एंड इसमें गुडनेस है पाइनएप्पल की एंड दही की, विटामिन सी रिच है एंड हैज ऑल द गुडनेस ऑफ कर्ड। यू हैव टू ट्राई दिस वन, दिस इज सुपर अमेजिंग। तो गाइज आई होप आपको पसंद आई होंगी मेरी 7 अमेजिंग टाइप की लस्सी की रेसिपीज, इनको ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी ये। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा, मेरे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज़ और अमेजिंग वेट लॉस के लिए डाइट प्लान्स मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। मेरी इन अमेजिंग लस्सी की रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स अपने फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी मिल जाए ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, क्विक हो और टेस्टी हो। और आप जो बाहर जाके वो अनहेल्दी शेक्स लेते हैं, कोल्ड कॉफ़ीज लेते हैं ना, उसकी जगह पे आप ये लो, ताकि आपका अमेजिंग वेट लॉस भी हो। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगी और कोई अमेजिंग सी डाइट प्लान या फिर कोई डाइट से रिलेटेड हेल्दी रेसिपीज़। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, बाय फॉर नाउ।